22 फसलों का लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। यहां के किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि से भी मदद मिलने का रास्ता खुला है। अनेक किसान परिवारों के खाते में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। जिनको अभी नहीं मिले हैं उनको भी मिलना तय है। अब तो हमने फैसला किया है कि 23 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले। कल 23 अप्रैल है, मैं 23 मई की बात कर रहा हूं। 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, फिर एक बार 23 मई के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो महाराष्ट्र के सभी किसानों को भी इस मदद पहुंचाई जाएगी। अभी जो 5 एकड़ की जमीन का नियम है वो शर्त भी हटा दी जाएगी। साथियों, यहां के प्याज की खेती करने वाले किसानों की सुविधाएं बनाने पर भी सरकार का जोर है। सरकार द्वारा स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने और प्याज के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले खर्च को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं मंच पे पूछ रहा था, क्योंकि मैं गुजरात में था तो मेरा महाराष्ट्रीय परिवारों में भोजन के लिए जाना आना जरा ज्यादा होता था, तो साल में एक दिन वो एक त्योहार मनाते थे और उस त्योहार के दिन सबके सब लोग कांदा खाते थे, प्याज खाते थे, हर चीज प्याज की बनती थी पूरा दिन। तो उस दिन मैं खास मराठी परिवार में जाता था, तो मैं अभी इनको पूछ रहा था कि भाई यहां तो किसी ने कहा कोई चंपा षष्ठी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन देखिए समाज की व्यवस्था, एक साथ प्याज को मार्केट देने का कैसा बढ़िया तरीका था। पूरे एक दिन में सभी लोग प्याज खाते थे और उसका परिणाम यह था कि प्याज को बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता था। ऐसी एक परंपरा खड़ी हुई थी, यानी हमारे पूर्वज कितने समझदार और दीर्घदृष्टा थे। क्योंकि मुझे गुजरात का अनुभव है और आदिवासियों में तो हमारे यहां और आपके यहां पड़ोस में ही लोग हैं, ये अक्सर होता है। कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था में भी कृषि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इसका विशेष महत्व था। भाइयों बहनों, मुझे पिछले दिनों जो पार्लियामेंट में आपके सारे विधायक और आपके एमपी हमारे सब मिलने आए थे और प्याज एक्सपोर्ट करने के विषय में विस्तार से मेरे से चर्चा की थी और जितने सुझाव दिए थे सारे मैंने लागू कर दिए थे। प्याज का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव को भी बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। साथियों, कांग्रेस में आपको कांग्रेस की एक चालाकी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये चालाकी ये है कि बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए फसलों की कीमत से खेल करना। आपने देखा होगा भाइयों, जैसे ही महंगाई जरा भी बढ़ती है कांग्रेस अपने दरबारियों को मध्यम वर्ग की गृहिणियों के पास बेच करके इंटरव्यू करवाती है और भी वो चिल्लाती हैं, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, और पूरे देश में चला देते हैं। उस वक्त उसे किसान याद नहीं आता है। और अगर दाम गिर जाते हैं, प्याज के दाम कम हो गए, टमाटर का दाम कम हो गया, तो फिर क्या करते हैं, किसान के पास पहुंच जाते हैं और टीवी पर उनकी बाइट लेते हैं और किसान कहता है देखो हम लूट गए। ये ऐसे बदमाशी करते थे। महंगाई बढ़ी तो हाउसवाइफ को पूछो, अगर प्याज आलू टमाटर का दाम गिरा तो किसान को पूछो, लेकिन जो बिचौलिए जो माल खा जाते हैं उनकी बात छुपा देते थे। और आपकी मुसीबत का कारण उपभोक्ता नहीं है, वो तो आवश्यक पैसे देने के लिए हमेशा तैयार होता है। आपकी मुसीबत का कारण किसान का पसीना नहीं है,
आपकी मुसीबत का कारण ये बिचौलिए हैं, बिचौलिए। और मोदी ने लड़ाई जो लड़ी है ना, ये बिचौलियों के खिलाफ लड़ी है। इतने वर्षों के राज में कांग्रेस ने किसान और उपभोक्ता के बीच सीधा संबंध बनने ही नहीं दिया। अब हमारी सरकार बिचौलियों के राज को खत्म करने के लिए काम कर रही है। जैसे डेयरी सेक्टर में सहकारी संगठन होते हैं, वैसे ही अन्य कृषि सेंटरों में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बनाए जा रहे हैं। देश में 22,000 से ज्यादा ग्रामीण हाटों को विकसित किया जा रहा है।